नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सुखदेव चौधरी, वो सुखदेव सोलंकी। मैं सुखदेव चौधरी पहले भी गुरुवृत्ति में आए हुए हैं, आगे भी एक दो हम आपके साथ और आएंगे। शुरू करें तो ओके सुखदेव पुत्र, आज हम शुरू करें करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टेट पे और कैपेसिटर पे हमने आपको चार वीडियो दिए, पूरा मैटर कवर हुआ। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको तीन देंगे। इसमें करंट भी है, सर्किट भी है, इसमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी है, इसमें पोटेंशियोमीटर भी है, मीटर ब्रिज भी है, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी है और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात थोड़ी सी अपन कर लेंगे। तो तीन वीडियो आपके पास रहेंगे और ये वीडियो है 29/45, यानी 45 में से 29 वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं। और ये सर्किट का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में करीब दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात शुरू करें पूछे आज। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर द ड्रिप वेलोसिटी इज वी। वैसे दोस्तों इसको प्रॉपर्टी वीडी कहते हैं, क्यों भाई? ड्रिप को वीडी कह देते हैं। इफ टू आई करंट इज फ्लोड थ्रू द सेम मेटल बट हैविंग डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द ड्रिप वेलोसिटी विल बी। पेज खाली तो ऐसे कर दे, पेज खाली कर दे बेटा, पेज खाली कर दे। एक्चुअली में मैं इसको थोड़ा सा सुखदेव पुत्र ऐसे पूरा समझा दूं बच्चे को कि ये कोई अपना कंडक्टर है, एक ही बात है, मेटल बोल दो चाहे कंडक्टर बोल दो। दोस्तों माना इसकी लंबाई एल है, इसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक प्रॉपर शब्द क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा के कारण होता है, ठीक है डियर। अब अपन कहते हैं इसके सिरों पे आपने कोई एक वी सप्लाई लगा दी, इसकी लेंथ माना कि आपकी एन है और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एन, यस यस, थैंक यू। ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिनट वॉल्यूम, और प्रत्येक का चार्ज क्या है? ई है। ये आपके सारे गुणा भाग है और इस पूरे को हम सोल्व करते हैं ना डियर। सॉल्यूशन का पूरा मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लास्ट में मेरा इक्वेशन बनेगा I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इसी से ओम का नियम बनता है। ओम का नियम यहीं से बनता है, जो V इक्वल टू आई आर है वो यहीं से बनता है। ये सब टीचर आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं होता, बाकी मेरा काम इससे हो जाएगा। आई कौन है? करंट। एन कौन है? इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन। इसका प्रॉपर शब्द क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वीडी कौन है? ड्रिप वेलोसिटी। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसको सब काम लेते हैं। ये फॉर्मूला है, इस तरह से बन जाता है। जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना अच्छा वो कंडक्टर है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो गया? चांदी। एजी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। आ जाओ उत्तर क्वेश्चन में आ जाओ। तो क्या कहता है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब मैं, मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा बात करता हूं कि फिजिक्स में तीन चीज होती है, एक डेटा देता है, एक डेटा वो कांस्टेंट रखता है, और एक आपसे चेंज करवाता है। एक कांस्टेंट है, एक वेरी करता है, और एक वो आपसे वेरी करवाता है। अगला साफ कहता है यार कोई कंडक्टर है उसमें ये है, इसमें कहता है धातु में दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ए भी दुगना कर दे, करंट दुगनी कर दे, तो वीडी क्या हो जाएगा? तो अपन इसको ऐसे लिखते वीडी इक्वल टू आई एन ई ए। अब मैं कलर चेंज करके, एक तरीका होता है मेरा, जिसको डबल करता हूं उसको डबल कर दूं। आई डबल है ऊपर दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए डबल है नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दो से दो कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो वीडी पहले था वो अब हो गया। तो यहां एक बात को देखना पड़ेगा कि जो बात हम शुरू कर रहे हैं वो एक एक फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में फॉर्मूला जब तक याद नहीं कुछ नहीं होगा, और फॉर्मूला याद होने के बाद उसको अप्लाई करना होता है। ये फर्क है बायोलॉजी और फिजिक्स में। फिजिक्स में याद करने से काम चल जाता है, बायोलॉजी में, और फिजिक्स में याद करके अप्लाई भी करना होता। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया। चलो पुत्र आगे चल भैया, ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है कि हम अब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कोई वायर है इसमें करंट फ्लो करेंगे तो हीट डेवलप होगी, यहां पर बोल कितनी होगी? I²RT हीट डेवलप होगी तो गर्म होगा, गर्म होगा तो इसका आर बढ़ जाएगा। एक काम की बात तो यहाँ पर, दूसरी काम की बात कौन सी आ सकती है कि कंडक्टर में तो बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर में घटता है, और एलोय में मिश्र धातु में नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगी तो हीट डेवलप होगी। हमारा घर का
गीजर पानी गर्म कैसे करता है, इससे तो करता है, कौन से प्रेस कैसे करते हैं, इससे तो करते हैं। अब तो एलडी आ गए, याद के पहले बल्ब होते थे, बल्ब कुछ देर काम कर लेना गर्म हो जाता, गर्म हाथ से उसको ऐसे उतर हाथ जल जाता था, कपड़े उतारना पड़ता था उसको। ये क्या है? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग क्या है? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। गर्म हो गया, गर्म हो गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा तो आर बढ़ता है। तीन बातें यहां पर, चालक का आर बढ़ता है, टी बढ़ता है तो आर बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का टी बढ़ता आर बढ़ता है, और कुचालक अलग कुचालक का भी कॉन्स्टेंट है, और एक अलॉय जो होती है, मिश्र धातुएं जो होती है, अक्सर क्या होता है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनमें ज्यादातर अलॉय काम ले लेते हैं, मिश्र काम लेते हैं, ताकि घंटे दो घंटे प्रैक्टिकल करना पड़े तो भी उसमें जो वायर है उनके आर में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आए। जैसे कांस्टेंट और मैग्नीन, यस थैंक यू, कांस्टेंट और मैग्नीन, ये दो प्रॉपर शब्द हैं, इन्हीं से मीटर ब्रिज बनता है। हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना इस टॉपिक में, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे किससे बनते हैं? कांस्टेंट या मैग्नीन से बनते हैं। अब इसके अंदर एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है? आर टी इक्वल टू आर नोट वन प्लस अल्फा डीटी, बोलते एक ही बात है। डीटी आर नोट क्या है? जीरो डिग्री का रेजिस्टेंस। आर टी क्या है? टी डिग्री रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? प्रतिरोधता गुणांक, प्रतिरोधता या इंग्लिश में टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और डीटी क्या है? चेंज इन टेंपरेचर। अब ये जीरो है, अब एक बार ध्यान दे, यहां पर एक बात करना चाहूंगा मैं, ये तेरा जीरो है तो इसको कोई टी भी कह सकता है। डीटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो है तो आप इसको टी कहो चाहे डीटी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बहुत प्यारी बात है। डिग्री सेल्सियस को या चेंज करना नहीं केल्विन में, क्योंकि परिवर्तन जो होता है, ये बात कर चुका आपसे मैं, जब परिवर्तन होता है टेम्परेचर का तो चाहे चेंज करो या ना करो, बात वही है। जैसे 5 डिग्री से तू 10 डिग्री पे गया तो 5+273 कर, 5+273 कर, फिर माइनस कर, क्या बचा? 5 बचेगा, तो इसको जोड़ दो 5 बचेगा, नहीं जोड़ दो 5 बचेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस में केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस, बात एक ही होती है। ओके डियर, तो तेरे सामने क्या कहता है कि किसी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आर टी आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ये तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न क्या है? वो कहता है 20 डिग्री सेल्सियस आर का कितना प्रतिरोध है? 20 ओम, 20 और 250 डिग्री, ये 500 पी एक मिस प्रिंट थोड़ा सा, ये 60 ओम है, किस ताप पे इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करें इसको, तो कैसे करें? आर टी आर जीरो आर जीरो अल्फा डी टी, दिस इज आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो अल्फा डी टी, ये कौन हो गया? डेल्टा आर, यस यस, बोल 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 उत्तर बोल, डेल्टा। तो डेल्टा आर क्या हो गया? डेल्टा आर बराबर आर नॉट, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, बोल कर तो नहीं कर रहे कुछ, बिल्कुल सही। अच्छा, अल्फा एक पदार्थ दो होते नहीं, एक बार कोई पदार्थ आपने ले लिया, अल्फा चेंज होना नहीं। अब जा सुंदर सी बात, क्या पहले 20 से कहां पर आया तू? 20 डिग्री से किस पे आया? 20 डिग्री पे प्रतिरोध 20 ओम है और 500 पे 60 ओम है, ये तो पूछा, किस ताप पे प्रतिरोध 25 ओम हो जाएगा। तो आप एक काम करें, 20 ओम से कहां पर गया तू? 60 ओम पे, तो डेल्टा कितना है? 40 हो जाएगा, 40। आर नोट क्या है? 20 हो गया, 20। अल्फा क्या है? अल्फा ले लो, अल्फा। डी टी क्या है? 20 से अपन 500 जा रहे हैं, 40 480 बोला है ना, बिल्कुल। अब अगले पे आ जा कि 20 पे 20 है, हाँ। तो 25 किस पे होगा? तो 25 और 20 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5। ये फिर तरह क्या हो गया? 20। ये तो अल्फा का अल्फा रहेगा, और डी टी क्या है? डी टी दे ले एक बार, ये तो करेंगे इक्वेशन एक को डिवाइड कर, ये कैसे लाओ, ये कैसे लाओ, एक आठ ने बोल बोल, तो 8 डेल्टा टी इक्वल टू क्या है? 60 40, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 60 आ जाएगा, 60 आ गया, तो डेल्टा टी 60 है, तो चेंज किसका हुआ? 60 का, पहले कितना है? 20 था, 20, अब कितना हो गया? 80। ये अभी हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे, दोनों लोग, बड़ा अच्छा लगा। छोटू गलत है, इसको करने के तरीके कई अलग अलग लोग अलग अलग लगाते हैं, मैं मानता हूँ इसके अलावा कोई इसकी जरूरत नहीं है। और भी इसके अंदर एक चीज अपन देख सकते हैं, हाँ बेटा, यहाँ पे प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ में लीनियरली राइज कर रहा है, ये भी सही है। इसके लिए सिंपली अपन ये देख सकते हैं कि 20 से अपन 500 पे हैं, तो 480 का अपन ने चेंज किया, तो यहाँ पे 480 का चेंज करने पे रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया? 20 से आ गया 60 आ गया, तो रेजिस्टेंस का चेंज कितना होगा? 40 का, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करेंगे
हाँ, तो फिर उसके बाद में अपने पास में कितना देगा, 40 अपॉन कितना देगा आपके पास में 480 देगा, 112 आ गया है ना, 112 तो ये अपने पास आ जाएगा 1/12 आ गया। फिर उसके बाद में कितने का चेंज करेंगे अपन, तो डेल्टा टी का चेंज करेंगे, तो फिर उसके बाद में कितना देगा, इसको अपन इनटू डेल्टा टी कर देंगे सही है, और फिर उसके बाद में चेंज कितने का 20 से 25 यानी 5 का चेंज आ जाएगा, तो इसको अपन 5 के बराबर कर देंगे, तो यहां से भी डायरेक्टली अपने पास डेल्टा टी वो 60 आ जाएगा, और इसमें मुश्किल गुणा भाग आती भी नहीं है, और ये थोड़ा सा इसको अपन और इजी करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें दोस्तों अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर आर नोट डेल्टा टी, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मात्रक पर डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल अल्फा इक्वल पर डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी ये नीचे आएगा पर पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आरआर कैंसिल आउट हो गया, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में से आता है। आगे चलो भैया, ये एक अच्छा क्वेश्चन देख, वो कहता है अक्रॉस ए मेटल कंडक्टर, ए ऐसे मान ले कोई मेटल कंडक्टर है भाई, ठीक है डियर, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इन अ क्वांटिटी व्हिच रिमेंस कांस्टेंट। देखो भाई सुनो, श्रेणी क्रम में कभी करंट अलग अलग है नहीं हो सकती, कौन समान होगी, करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, वीडी अलग है, जब पतला है वहां विल वेग नहीं, क्या यार एक नदी बह रही है, चौड़ी नदी होगी ना तो पानी धीरे हो जाएगा, नदी सगड़ी होगी तो पानी ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, और डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, एरिया पे, तो सब कुछ चेंज होगा, चलो कौन चेंज नहीं होगा, करंट, इसका कॉमन बात बोल दो पड़े कि सीरीज में करंट भी अलग अलग है नहीं हो सकता, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगले चले आ जाओ, ये फिर लाडला क्वेश्चन अपना, तो दोस्तों ये कहता है कि वायर है उसके तार की लंबाई का प्रतिरोध 20 ओम है, इसे खींच कर दाना चीज का पुलिंग करके स्क्रेच कर कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, देखो बच्चे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अक्सर बच्चे क्या कहेंगे साहब खींच कर 3 गुना कर दिया तो लंबाई 3 गुना कर दी तो आर 3 गुना बढ़ गया, अरे नहीं भाई ध्यान सुन, देखो मेरे सुनो, आपके पास एक चिंगम ऐसे चिंगम जानते हो, अब आप चिंगम को जैसे जैसे खींचोगे तो पतली होती जाएगी ना, तो खींच के दुगुना किया तो लंबाई भी तो कम हुई, तो लंबाई ज्यादा हुई तो एरिया भी तो कम हुआ, ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमेशा ये एन स्क्वायर आता है, कैसे आता है तो पूरी बात कर देता हूं, इसमें दोस्तों हकीकत क्या है कि माना ये कोई वायर है, इसको पुतरा पर खींच के से करेंगे लंबा तो ये पतला हो जाएगा, लेकिन एक बात सुन, मास यहां भी एम है, मास यहां भी एम है, यहां लंबाई L1 है, यहां लंबाई L2 है, यहां एरिया A1 है, यहां एरिया A2 है, डेंसिटी यहां भी डी है और यहां भी डी है, तो पदार्थ तो यहां भी वही है वहां भी वही है, तो दोस्तों एक्चुअल में क्या बना, डी इक्वल टू एम बटे वी, डी भी कॉन्स्टेंट, एम भी कॉन्स्टेंट, तो वी भी कॉन्स्टेंट, और वी क्या होता है एरिया गुणा लंबाई, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, अब तेरे सामने है A1 अपॉन A2 इक्वल टू, ये खाली करना बेटा L2 अपॉन L1, अब ये फॉर्मूला है, अब तो इस पे देख, अब इसका R1 क्या है, इसका R1 रो L1 बाई A1, इसका R2 क्या है रो L2 बाई A2, ठीक है अपना वही तरीका, एक में दो को डिवाइड कर लो, इसको मैं मिटा दूं, लो याद है मेरे को, मैं दोबारा कर लूंगा इसको, तो क्या फॉर्मूला बनेगा R1 बाई R2 L1 बाई L2 मल्टीप्लाई A2 बाई A1, अब यहां क्या कह रहा है कि लंबाई को खींच के n गुना किया, एरिया का पता नहीं है, पर एरिया का पता नहीं है क्योंकि बता दिया आपको मैंने L1 बाई L2 अपॉन इक्वल टू A2 बाई A1, तो जहां A2 बाई A1 लिखा हुआ है उसको L1 बाई L2 से रिप्लेस कर दो, कर दो ये तेरा L1 बाई L2 मल्टीप्लाई L1 बाई L2, तो ये पुत्र क्या हो गया L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, माना कि पहले लंबाई L है और फिर NL होगी, फिर सामने सामने आ गया R1 बाई R2 1 अपॉन N स्क्वायर, तो डियर R2 इक्वल टू क्या आ गया R1 मल्टीप्लाई N स्क्वायर, आया काम का, अब क्वेश्चन में आ जा,
अगला साहब कहता है कि लंबाई खेच के 3 गुना कर दी तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया, पहले कितना है 20, तो 180 हो गया। वापस पेज खाली कर, कई बार क्या करता है वो, यहां तो वो कहता खेच के लंबाई मैंने एन गुना कर दी, वो कहता इतना खेचू कि रेडियस, खेचूंगा रेडियस घटेगी बढ़ेगी, रेडियस एन गुना कम हो जाए, बोल बोल, रेडियस एन गुना कम हो जाए तो सेम फॉर्मूला होगा फिर आर वन बट्टे आर टू इक्वल टू एन वन बट्टे एल टू ए टू बाई ए वन। एक बात और करनी पड़ेगी, ए टू क्या होगा पाई आर टू स्क्वायर अपॉन पाई आर वन स्क्वायर, और एल वन बाई एल टू जहां लिखा होता है वो फिर क्या होता है ए टू बाई ए वन। तो ए टू बाई ए वन का मतलब इसको मैं ऐसा भी कर दूं कि ए टू बाई ए वन का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो आर टू बाई आर वन की पावर 4। फिर वही चीज फिर देख, आर वन बाई आर टू इक्वल टू माना रेडियस क्या है पहले आर, पर आर टू क्या कर दे पुत्र आर बाई एन, ये तेरा 4 टाइम, तो देख आर टू इक्वल टू एन की घात 4 मल्टीप्लाई आर वन हो जाएगा। तो लंबाई एन गुना करूं तो आर एन स्क्वायर गुना बढ़ेगा, एरिया एन गुना कम करूं तो एन स्क्वायर गुना बढ़ेगा, लेकिन रेडियस एन गुना कम कर दूं एन की पावर 4 बढ़ेगा। भाई यही गुरुनीति है, बाकी तो सब आपको जिस कोचिंग पढ़ रहे हो सब साथी पढ़ाई रहे, यही गुरुनीति है। मैं बार बार कह रहा हूं हम लोग 1 फरवरी से ऑफलाइन गुरुनीति सीकर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे 2 साथी खड़े होंगे, सीएल से कोई बच्चा के बैठ सकता है, चलती क्लास से कोई संबंध नहीं उसका, और किसी भी कोचिंग का बच्चा उसका चार्ज करेंगे मिनिमम पर, ये कोई मिनिमम चार्ज के साथ हम आपको लॉन्च कर देंगे। और ये हम लोग 31 जनवरी को हमारी सीएलसी का फाउंडेशन डे है उस दिन इसको अपन लॉन्च करेंगे भी। शेड्यूल क्या रहेगा और फिक्स टाइम पर बढ़ेगा बाकायदा उसका, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वहां मिक्स रखेंगे अपन, दोनों मीडियम अलग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा, रिपीटर के लिए वरदान साबित होगी भैया। कौन रिपीटर? जो पिछले 2-3 साल से ड्यू टू फिजिक्स मार खा रहा है भाई, सबको आती है भाई, तेरे को भी आती है, सबको आती है। मेरी सीएलसी बच्चा है जिसके बायो नंबर 355 है, फिर सिलेक्ट नहीं है भाई, तो बायो कितनी आती है आपको भाई, 355 नंबर है साहब, सिलेक्ट नहीं हो पाया, फिजिक्स के लिए भाई पढ़ना ही नहीं था, इस बार पढ़ रहा फिजिक्स, कल आया था मेरे पास टेस्ट दिया, माइनस 140 मार्क्स उसके, 180 में से, बड़ा खुश था। आगे चले भैया, ये भी एक सोना क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि किसी टाइम पी पर एक क्लोज सर्किट में आई कितनी है 4 माइनस 0.08 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से 50 सेकंड में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन और क्यू निकालेंगे पर देखा क्यू बराबर क्या होता है ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन e, कहने का मतलब है टोटल चार्ज निकाल लो। पेज खाली कर पूछ, अब जैसे तेरे को i दिखाई देता है तो जानता भैया i बराबर क्या होता है dq/dt, तो पुत्र यहां क्या कर दे dq/dt, dq/dt जैसे तू करेगा ये तेरा dq/dt 4 माइनस 0.8 t, ये क्या है भाई dt, तो भैया सीधी सी बात है क्या करो समाकलन करो, क्यों ये जीरो से कहां तक जाएगा क्यों तक, ये जीरो से कहां तक जाएगा t तक, बोल हाँ या ना। मैं ये इसलिए कर रहा हूं सुखदेव ताकि पुत्रों को इंटीग्रेशन फिर समझा दे। अब तू जानता है यहां 1 है, 1 का क्या हो गया q इक्वल टू 4 का क्या हो गया t माइनस 0.08 t²/2 कहां से कहां 0 से लेके 50 तक, 50 तक आने क्यों क्वेश्चन दिखा भी क्यों, क्योंकि 50 से कुछ आगे लेने स्टार्ट कहां से हुआ ये रहा छठ, मतलब 0 से आ जा पुत्र। अब तेरे सामने है q इक्वल टू अच्छा अपर माइनस लोअर, तो यहां 50 पुट करेगा, यहां 50 पुट करेगा, क्वेश्चन क्या है कि फिर यहां 0 पुट करेगा, याद ना ये मैं इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लोअर माइनस अपर, तो जो अपर लोअर सॉरी अपर माइनस लोअर सॉरी अपर माइनस लोअर, तो लोअर 0 है और सब टी आ रहा है तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, आ जा तो 4 मल्टीप्लाई बोल बोल पुत्र 50 माइनस 0.08 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन 2, ठीक है क्यू इक्वल टू कितना हो गया 200 माइनस, ठीक है जी, ये क्या है 200 का भाग कितना बचा 100, तो Q का मान क्या आ गया 100 गुलाम आ गया। पेज हल कर आ Q गुलाम 100 आ गया, क्वेश्चन एन ई अपने को एन चाहिए ना, तो Q बाई ई ये कितना है 100, ये 1.6 10 टू पावर माइनस 90,
तो तू जानता है 6.25 हो जाएगा, 6.25 6.25 बस गया 20 18 होता ना तो सवाल ये है 20 हो जाएगा। देखो हमने पूरा किया, हम कहीं आलस नहीं कर रहे भाई, I = dQ/dt हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। आगे चल पूछो, ये फिर एक शानदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दो वायर है सेम बने मटेरियल से, एक बात ध्यान रखना किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस हो उसका फॉर्मूला होगा R = ρ L/A। L क्या है उसकी लंबाई, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, R क्या है रेजिस्टेंस, ρ क्या है रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है केवल और केवल, ओहो लड़के 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 लगता यह है कि रो ए और एल पे डिपेंड करता है, जबकि ना रो वैसे ही है जैसे स्पेसिफिक हीट होती है, डेंसिटी होती है और कोई प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तांबा है ना तो तांबा इतना ले चाहे इतना ले, तांबे की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है, यानी रो ए और एल पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि लग रहा है क्योंकि रो इज डिपेंड, रो डिपेंड ओनली एंड ओनली नेचर ऑफ ए मटेरियल, तो छोटा ले चाहे बड़ा ले, ये तो बात करना चाहेंगे बस। अब आ जाओ, वो कहता है लंबाई और दिल की, देखो पदार्थ क्या है सेम है, सुन एक वायर ये है एक वायर को ये मान ले, इसका भी रो इसका भी रो, इसको 1 नंबर कह दे इसको 2 नंबर कह दे, लंबाई का अनुपात त्रिज्या का अनुपात के अनुपात 4 है, तो लंबाई का अनुपात L1/L2 क्या है 3/4 और R1/R2 क्या पुत्र बोलना 3/2 बस। समांतर क्रम में जोड़ के 6 वोल्ट का स्रोत लगा दिया, समांतर क्रम में पैरेलल जोड़ देने का मतलब क्या हुआ V सेम हो गया। तू जानता है V = क्या होता है IR, V सेम है इसका मतलब I1R1 = I2R2। अगला क्या पूछता है करंट का रेशियो पूछता है, तो करंट का रेशियो पूछता है I1/I2 = क्या है R2/R1 बोल रहा है ना भाई, वो कहता है दो पदार्थ दो आपके वायर है दोनों सेम मटेरियल के, लंबाई दोनों की किरणपात 4 है, रेडियस किरणपात 2 है, कौन से क्रम में जोड़ा पैरेलल, पैरेलल जोड़ते V क्या हो गया सेम हो गया, तो V एक पे क्या है I1R1 एक पे क्या है I2R2, तो V भी सेम है तो क्या कहोगे I1R1 = I2R2 तेरा क्या छे बेटू कैंसिल आउट है, तो मेरे साथ सूत्र आ गया किरण बात एक, क्वेश्चन निकालना भैया आंसर आ गया दोस्तों बोला है ना, तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आपके पास था इसको बने कर दिया, लेकिन सारी बातें इसके अंदर कंसिडर हो गई है। आगे चलो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटलिक वायर इज 0। देख भाई आप क्या कहते हैं कि हमारे घर में फिटिंग है तार तो है, तो स्विच दबाते से क्या होता करंट आ जाती है, बोलो साहब करंट बहती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो क्या स्विच दबाए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पहले भी है, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, मेरे स्विच से लेके मेरे बल्ब तक वायर है, लेकिन स्विच चालू करता हूं तो करंट जाती है, तो बल्ब चमकता है मेरा, तो स्विच चालू करने से क्या हुआ आपको करंट फ्लो हुई, आप तो कह रहे हो करंट फ्लो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या भरे क्या आपने कोई मतलब लगा रखा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गति पहले भी कर रहे थे भाई, पहले वो अस्त व्यस्त थे, स्विच ने क्या किया हाई पोटेंशियल पैदा कर दिया और उन सबको लाइन में करके आप ढंग से लो, मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बच्चे दिमाग आपका है, कोचिंग के पास या मजबूत टीचर के पास आओगे ना वो हाई वोल्टेज से आपके नॉलेज को लाइन में कर देगा, तेरा बल्ब चमक जाएगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए कोचिंग की और अच्छे टीचर की जरूरत होती है, ज्ञान आपका ही बेटा, टीचर ज्ञान नहीं पैदा कर सकता, वो आपके ज्ञान को
मॉडिफाई करके आपके एग्जाम में सफलता में कन्वर्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि गति तो करते हैं बट ओवरऑल गति क्या होगी, जीरो। जैसे ब्राउनी गति होती है, दादा वो एक जार में सिगरेट का धुआं भर दो, किशोर पढ़ा था बचपन में हम लोगों ने, तो गति करते हैं बट ओवरऑल गति क्या होगी इसकी, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट इन रैंडम डायरेक्शन। गति उनकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम। एक बात और भी कहते हैं कि भीड़ की कभी कोई चाल नहीं होती है, भीड़ की कभी कोई स्पीड नहीं होती, भीड़ हमेशा ही, इसलिए एक बात कहता हूँ भीड़ में देखिए कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता। आगे चलो, ये रहा एक धात्विक तार को एक मेटलिक वायर को कॉन्स्टेंट पोटेंशियल रखा, इसका ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो एक बात बताऊँ तेरे को, मेरे को सीधी सी बात है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी और वी डी इक्वल टू क्या पुत्र आई एन ई ए। एक फॉर्मूला और भी होता है वी डी का, बड़े सारे कितने याद करूंगा, से याद भी कर सकते हो आप। अब देख तू क्या कह रहा है कि मेटल है, मेटल है, मेटल का ताप बढ़ाया, मेटल का ताप बढ़ाया तो आर बढ़ा जाएगा, आर बढ़ा आई घटा बढ़ जाएगा, और आई घटा वी डी भी घटा, तो एन चेंज नहीं हो सकता, ए चेंज नहीं हो सकता, ए चेंज नहीं हो सकता, तो वी डी घटा, तो ये क्या कहता है डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग तो घटेगा, घटेगा एक उसमें और पूछ रहा है उसमें ये वेग हाँ वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब नोट कुछ गर्म होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। एक मिनट खाली करना, भूल गए क्या, वी आर एम एस इक्वल टू 3 kT/m, कॉमन सेंस की बात है, टेंपरेचर बढ़ेगा आरएमएस बढ़ेगा ही ना, वो थर्मल एक ही बात, थर्मल बोल दो आरएमएस बोल दो भाव एक ही है। अरे भाई गर्म करोगे यार तो भागेगा जल्द, आप सीधी सी बात है, तो बैठा है तेरा गर्म लगा पीछे से तो क्या होगा, बढ़ेगी स्पीड, सीधी सी बात है भैया। आगे चल, ये कलर कोड है, तो कलर कोड तो क्या पढ़ाना यार, बी वी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सब जानते हो भैया, देख ये चार कलर हैं तो ये भैया याद करने ही पड़ेंगे मेरे हिसाब से, इसको करने में मीनिंग नहीं मानता, तो बी वी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का फंडा होता है, और लास्ट में प्लस माइनस करना होता है टोलरेंस, कितना है गोल्ड है क्या, गोल्ड इसका कितना होता है, 5% होता है, 5% होता है, वो पढ़ कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, गोल्ड होता है सिल्वर का प्लस माइनस 10% होता है, वो याद करना पड़ेगा, नो कलर भाई, लोग याद करना पड़ेगा, कोई अपने मैं आप कितना पढ़ा याद नहीं है तो कुछ भी नहीं, नहीं हो सकता। आगे चलो भैया, आगे देखो सर, आगे क्या कहता है, ये आगे तिरल बात आ गई, कांस्टेंट और मैग्नीन अलॉय है, इनको अपन क्यों यूज करते हैं कि एक तो इनका अल्फा क्या होता है मिनिमम या बहुत कम, और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है हाई होती है, तो दो भी सही है तीन भी सही, याद करना पड़ेगा। ये देखो वहां भी आता है उष्मा गति में भी, जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं उन बर्तनों में कुछ विशेषता होती है, सेम कहानी है। तो भैया इसमें सबसे पहली बात तो जो अल्फा है ना, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया तो प्रैक्टिकल शुरू करोगे ना तो आर कुछ और है, तो थोड़ी देर बाद आर और हो जाएगा, तो आप सही भी कर रहे हो ना तो आंसर गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगी उसमें। अभी चले पूछक, आगे तांबे और जर्मेनियम का टेम्परेचर कमरे के ताप से 80 केल्विन पे ठंडा किया, घटाया, घटाएंगे तो तांबा मतलब मेटल, तो इसका तो आर घटेगा, जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर, इसका बढ़ेगा, तो कहता है तांबे का प्रतिरोध घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा, ये उस बात को क्यों कर देता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का घटता है, और इंसुलेटर का नके बराबर, और एलोय का भी नके बराबर, एलोय एलोय क्या है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु लेबल में आदमी का बनाया हुआ सामान है जो अपनी इच्छा से बनाता है कि मुझे ये गुण चाहिए, इसमें जो हाइब्रिड सीड भी होते हैं क्या, हाइब्रिड सीड हम अपने हिसाब से बनाते हैं उसमें उत्पादन ज्यादा हो जाता है। आगे चले भैया, फिर वो आगे चला क्वेश्चन, वो कहता है विभिन्न पदार्थ, ओ भाई विभिन्न पदार्थ है, रो अलग अलग है, रो इसका रो वन, इसका रो टू, इसका एल वन, इसका एल टू, और अनुप्रस्थ काट ए वन और ए टू, सब अलग अलग है यार, फिर वो कहता है कि प्रतिरोधों का अनुपात बताओ, तो भैया पेज खाली कर ले बेटा जी, तो पेज खाली करेगा तो आर वन अपॉन आर टू रो वन एल वन ए वन रो टू एल टू ए टू, क्यों ये तो है, तो आ जा R1 by R2, Rho 1 by Rho 2, L1 by L2 और A2 by A1, क्वेश्चन दिखा बेटा, Rho 1 by Rho 2 क्या है देखना, दो अनुपात भी, क्यों बिल्कुल, L1 क्या है,
तीन अनुपात चार एवन कितना है चार अनुपात पांच इसमें से इसे काटते दो बट्टा पांच दो अनुपात पांच ये चार बटे पांच यहाँ ओ सॉरी उल्टा करके दोबारा बोलते हैं दो दो बट्टे तीन तीन बट्टे चार दो बट्टे ए टू बाई एवन है तो ये पांच बट्टे चार रहेगा ठीक है ये तेरा दो ये कैंसिल आउट तो पांच बट्टे आठ पांच बट्टे आठ ये सिली मिस्टेक होती है तो ये गलत ध्यान रखें एग्जाम में भाई हमें मौका मिल जाता रीटेक का आपको मौका रीटेक का नहीं मिलता वहां पर आगे चले बेटा ये थोड़ी सी एक कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है इसकी बाकी तो कोई क्वेश्चन है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी देखो पुत्र क्या कहता है अगले ने क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व ये कौन एन है ये कौन है एन एन कितना है 8.4 × 10⁸ ई कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ ए जे कितना है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अब क्या पूछा इसने ये करंट कितनी है 4.5.4 और ये कौन है वीडी अब आगे क्या हो जाएगा मैं कुछ नहीं दोस्तों वीडी इक्वल टू ये हो जाएगा इसका आंसर निकाले तो सीधा बोल देते हैं क्या जो भी है पुत्र इसका आंसर आया है 13 नंबर का आंसर आपने क्या दिया है 0.4 देख लेते हैं 13 का आंसर दिया बेटा 3 कौन सा है 0.4 तो आपको निकाला आपने कहां से निकाल गए तो आपको से याद हो रहा है आगे चले ये आप करो ये आपका प्रिय प्रश्न है देखो यहाँ पे अपने को ऐसे बोला जा रहा है कि टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये क्या कंडक्टिविटीज अपने को दे रखी है एक मिनट इस शब्द का पता बेटा आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब लेंथ भी सेम उनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम यानी एरिया लेंथ में कोई चेंज नहीं यस तो यहाँ पे देखो जैसे अपने पास में दो वायर्स है एक तो अपने पास में ये वायर मान लो और एक अपने पास इस प्रकार से ये वायर हो गया क्यों कहा जोड़ा इसने सीरीज में बस ठीक है इसकी लेंथ भी एल हो जाएगी इसकी लेंथ भी एल हो जाएगी और एरिया अपने पास ए हो जाएगा अब इनकी जैसे इसका ये सिग्मा 1 दे रखा है इसका अपने को सिग्मा 2 दे रखा है सीरीज में अपन जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 बन जाएगा अपन लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 देगा तो R को अपन क्या लिख सकते हैं रो एल बाई ए एक बार तैयार कर दो बिल्कुल रो एल बाई ए दिस इज रेजिस्टिविटी बिल्कुल सिग्मा दिस इज कंडक्टिविटी बिल्कुल तो R को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ अपने पास बन जाएगी L प्लस L इक्वल कर देंगे 12 कर देंगे L L कर देते हैं इसको अपन तो इसको अपन कर देंगे 12 अपॉन ये अपने पास है सिग्मा एरिया तो एक का ए रहेगा इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 1 A और प्लस L अपॉन सिग्मा 2 A तो यहाँ पे L A को काट देंगे तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा 2 by L, 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 L
आपके पास टू बाई सिग्मा रहेगा, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा इक्वल हो जाएगा टू सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। इसको अपन फिट गुणोत्तर, इसको अपन गुणोत्तर माध्य भी बोल देते हैं। हाँ, जीपी 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 बोलते हैं ना उसको, एचपी बोलते हैं, जीपी जीपी एपी जीपी एचपी जीपी। यस, ये वो चक्षुर पिछला था एग्जाम में। आगे चले, ये देख, ये क्या कहता, 12 मीटर प्रति मीटर, सो 12 ओम प्रति मीटर। एक कोई वायर है जिसके एक मीटर का कितना प्रतिरोध है, 12 ओम है। अब के तार को मोड़ के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ष बना दिया गया, रेडियस का स्थिर किया, ये 10 सेंटीमीटर का एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ष बना दिया। ओके डियर, और इनके ए बी को दो पॉइंट है, इनके बीच का आपको आर निकालना है। तो मैं एक बात करना चाहूंगा यहां पर, ये ऊपर कितना वायर है, पाई आर, नीचे भी क्या है, पाई आर। अब ये पाई आर दोनों कोण से कॉम्बिनेशन में आगे पैरेलल अप हो जाएगा, तो रिजल्ट आर डैश क्या हो जाएगा इसका, पाई आर बाई इनटू आर भी जाएंगे अपन रेजिस्टेंस, हां वो कर दो अपन रेजिस्टेंस आ गया, बस हो गया। तो पाई तो पाई है, आर बोले तो रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। हां बिल्कुल, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस 12, हां 12 मल्टीप्लाई सो अपॉन 2। ये ले भाई, तो तेरे सामने सामने कितना आ गया, 0.6 पाई आ गया। हां भी 12 में 0.6 120.6 पाई आ गया, 0.6 पाई। ठीक है डियर,
थैंक यू, आगे चले। अब मैं ये चाहता हूं फंड के सुखदेव पुत्र आगे जाने से पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर ले और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ले, थोड़ा सा पेज खाली करके अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक शब्द है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का इसको समझ लो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं चीज को। ये एक वायर है, इसमें माना कि करंट बह रही है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और यहां कोई करंट आई बह रही है। यहां माना आई जो है, यहां जो ग्लास काम है, आई माना 5 एम्पियर है और आर माना कि 4 ओम है और ये माना कि आपका 20 वोल्ट है, तो इस बीबी की वैल्यू बताओ। एक बहुत अच्छे पॉइंट है, एक वायर है ए से बी की करंट जा रही है, 5 एम्पियर करंट है, यहां 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ए बिंदु 20 वोल्ट पे है तो बी बिंदु का पोटेंशियल, विभव एक बिंदु का होता है और विभव का अंतर 2 बिंदु का अंतर होता है। हकीकत में बताऊं क्या बेटा जी, यदि मैं यहां एक वोल्टमीटर लगा दूं तो वो क्या पढ़ेगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस पढ़ेगा, वो क्या होता है V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5, आर कितना है 4, तो कितना पड़ेगा 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि ए से बी तक जाते जाते 20 वोल्ट का पतन हो गया, 20 वोल्ट की कमी हो गई, इसका मतलब बीबी का मान 0 कि पाइप एम्पीयर करंट बह रही है, ये 4 एग्जांपल पढ़ के कोई भी, यहां मैं एक वोल्टमीटर लगाऊं उसकी रीडिंग मान 20 वोल्ट है, इसका अर्थ ये है कि ए से बी तक पहुंचते पहुंचते, इसलिए याद करो इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कहते, वोल्टेज ड्रॉप हिंदी विभव है, पतन भी कहते, इसको वोल्टेज डिफरेंस कहो तो वोल्टेज ड्रॉप कहो, विभव का अंतर कहो विभव पतन कहो, ये मेरे हिसाब से श्रेष्ठ है। और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, एक बात हो गई है। चलो जी, दूसरी हम सब जानते हैं सीरीज में करंट समान होती है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। सीरीज में दोस्तों आप जानते हो R1 है, कैसे होता है तो आपके लगे आपकी बात कर लूं, यहां माना V है, यहां कोई करंट I चली तो यहां क्या पैदा होगा IR1, माना ये R1 है, माना ये R2 है, माना ये R3 है, यहां क्या पैदा होगा R2, यहां क्या पैदा होगा R3, माना यहां V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है, टोटली भी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या है, किरचॉफ का सेकंड नियम है जो एनर्जी के निर्देशन को बताता है। अब तू V की वैल्यू पुट करेगा, सारे गुणा भाग करेगा तो R की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, और यदि सब RNN बराबर है तो फिर R डैश का मान क्या जाएगा, सब जानते बोलो है ना। आगे चलो, अब आप पैरेलल में आ जाओ, माना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, ऐसे करंट जोड़ दिया, ये बैटरी जोड़ी, ये V है, ये तेरा I है, एक करंट यहाँ जाएगी, एक करंट यहाँ जाएगी, नालियाँ तीनों वापस एक हो जाएंगी, फिर वापस I हो जाएगी, यहाँ क्या चली I1, यहाँ क्या चली I2, यहाँ क्या चली I3, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये V, ये भी V, ये भी V, ये भी V, ठीक है डियर। I = I1 + I2 + I3 इसका नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम है। तो हकीकत बात यह है सीरीज कॉम्बिनेशन किरचॉफ का सेकंड नियम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और भाई सुखदेव हो जा रहा पक्का, I = I1 + I2 + I3, V = जानता क्या होता है I R, क्या जाएगा V/R, माना टोटल आपका आर हो गया, तो ये तेरा V/R V/R2 प्लस डैश डैश, तो 1/R = क्या आ गया 1/R1 + 1/R2, ठीक है। पेज खाली कर दूं, इसको गुणा भाग करें आगे तो सोल्ड क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, तो दोस्तों ये R = क्या आ गया R1/R2 + R1 + R2। और वही बात यहां n समान हो तो R डैश का मान क्या आ जाएगा R/N। यदि मैं बात को सोल्ड में कर दूं, ऊपर सीरीज है R = R1 + R2, इसको RS कह दे पुत्र, इसको RP कह दे, ये तेरा क्या है R1 R2 / R1 + R2 इक्वल है RS, तो क्या हो जाता है NR और ये क्या हो जाता है R/N। यदि दो ही जुड़े हुए हैं तो सीरीज में तो वो डबल हो जाता है और पैरेलल में वो आधा हो जाता है। याद कर ले भैया, 4 और 4 जुड़े हो श्रेणी में 8, 4 और 4 जुड़े पैरेलल तो 2, पूरा हो गया। श्रेणी क्रम में करंट सेम,
पैरेलल क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बात वोल्टेज से हम बोलते हैं, इतनी सी बात कर ली, आगे चले क्वेश्चन में आ जा। ले अब देख मैं कहीं पैर नहीं चलाऊंगा इसमें, ये करंट कितनी है 1.2, 1.2 तेरे को 10, 15 और 30 दो तीन छह में डिवाइड करनी है जी, क्लियर है? 2, 3, 6 में डिवाइड किसे करना है? 1.2 को। तो दोस्तों 1.2 को डिवाइड करना है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब कि आप एक तो गणित लगा दो, 1:2 को अनुपात तोड़ दो, गणित नहीं लगाओ तो क्या कहोगे? पूछा क्या गया आपसे? आई टू पूछा, करंट सब अलग अलग है, वी सब पे क्या है? बराबर है, कहने की बात ही नहीं है। कितना वी है? वी कितना है? हाँ, ये भी तो निकाले, निकाल सकते हैं, करंट निकाल के फिर आई आर से निकाल लेंगे। आर निकाल लो ना, वी बताओ कितना है। देख 15 और 30 कितने होंगे? देख 15 मल्टीप्लाई 30 बटे 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 45 देख R इक्वल टू क्या होता है? R1 by R2 plus R1 plus R2। 15 को 30 से गुणा कर 450, 15 में 30 जोड़ 45, R कितना आ गया? 10। ये 10 प्लस कितना हो गया? 5 हो गया ना। अब तेरे सामने 5 है तो ये करंट कितनी है? 1.2। ये कितना है? 5। V इक्वल टू बोल क्या है? IR। V कितना आ गया तेरा? 6 वोल्ट। तो यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। 15 में तेरे को 15 में कितना अच्छा है? V इक्वल टू IR। बोल बोल, V इक्वल टू IR। I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 6। R कितना है? 15 × 7 = 4। कहीं से खेल ले यार, फुटबॉल है तो। मतलब है देखो सीधा सीखो, 30 × 15 पैरेलल। अब 30, 15 क्यों लिए मैंने? क्योंकि ये प्रैक्टिस है। ये कल पारस बंसल आया था, जो लड़का जयपुर ब्रांच का बच्चा था अपना, और 12वीं के साथ 680 मार्क्स है, उसका इंटरव्यू सुनना यूट्यूब पे, इसका इंटरव्यू पढ़ा देखना है सीएलसी कृपे। उसने कहा, मैंने कहा 3 मई के एग्जाम और 13 सितंबर के एग्जाम में क्या फर्क है? उसने बहुत बड़ी बात की सुनी। उसने कहा सर 3 मई को मेरे पास ज्ञान उतना ही था जितना 13 सितंबर को था। उसने कहा मैं वैसे कहूं कि मैं सैनिक हूं तो हथियार तो मेरे पास सारे 3 मई को भी थे, लेकिन 3 मई से लेके 13 सितंबर तक मन उनको चलाने की प्रैक्टिस कर ली। मतलब ज्ञान तो उस दिन उतना ही था, मन ज्ञान की प्रैक्टिस कर ली, और ये प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। वो कह रहा था 3 मई को होती ना तो हथियार तो मेरे पास थे पर चलते नहीं मेरे से, और 13 को उनको चला के आ गया, उसे सिटी लेके आ गया 12वीं के साथ। नगर भरतपुर का बच्चा जयपुर में हॉस्टल में रहा, अकेला रहा, या कितनी बड़ी बात है। तो बहुत मासूम सा बच्चा, सुना से वीडियो, बहुत बड़ा बच्चा है। ओके तो 30 से 15 कितना? 450 मल्टीप्लाई 45, 10, 10, 10, 5, 6, तो सिर पे 6 आ गया इक्वल टू आई आर। देखो सर्किट में यदि पैन 4 गुना भाग करते हो ना तो रिजल्ट मान पाओ, तुम्हें नीट में नहीं आता। हाँ गाइडों में क्वेश्चन होते होंगे, नीट में तो मैं कहता हूँ बेटा पैन चलता ही नहीं, क्यों दिमाग चलता है? आगे चलो पुत्र, ये आ जा, मतलब यहां भी पैन चलाएंगे अपन, करेक्ट? ये कहता है पी और एम के बीच एक डीसी लगी हुई, ये लोग डीसी लगी हुई, ठीक है? बोल बोल, लगा दिया। पी और एम के बीच डीसी लगी हुई है, वोल्ट 4 ओम के प्रतिरोध में धारा 1 एम्पियर है, यहां धारा कितनी है? 1 एम्पियर। अब तुम्हारा साथ देवान लगे से, और लड़की पी इक्वल टू आई आर, 4 और कितना हुआ? 4, तो यहां भी 4, तो यहां भी 4, तो यहां से आज तक पूरा 4 हो गया ना, उधर 4, इधर भी 4, इधर भी 4। अब ये 0.5 क्या हुआ? 0.25। ये कितना हुआ? 0.25 ओम, और ये कितना हुआ? 1 ओम। इनके सिरों में कितना जुड़ा हुआ है? 4। तो 4 वोल्ट जो है वो 0.25 और 1 में डिवाइड हुआ है, बोल बोल है ना। तो 4 वोल्ट को तू 0.25 और 4 यानी 1 और 4 के अनुपात में डिवाइड करना है तेरे को, 1 और 4 में डिवाइड करना है। तो भाई 4 को 1 और 4 पर डिवाइड करे तो कैसे करेगा? 832, 832, 1 पे 0.8 है और 1 पे 0.2 है, तो इधर पॉइंट कितना है? 25.8 है, उधर कितना है? 0.2 है। आंसर का देख ले,
हेलो, मैं इस क्वेश्चन को वीडियो दोबारा देखने से पहले दोबारा कर दूं तो आगे कोई पड़ी ऑफलाइन वैसा होगा, ऑफलाइन बार बार होता रहेगा। मैं फिर से कहता हूं ऑफलाइन गुरुनीति ब्रह्मास्त्र होगा सीएलसी का, जैसा बायोकेम डीटीएस है, और गुरुनीति केवल ऑफलाइन गुरुनीति किसकी आएगी, केवल फिजिक्स की आएगी। फिर देख करंट कितनी है, एक एम्पियर, तो यहां कितना है चार, यहां भी कितना है चार, ये चार यहां भी चार, ये कितना है 0.25, चार को 0.25 एक में डिवाइड करना है, चार अनुपात एक में डिवाइड करना है, तो 0.8 और 3.2 चलता है। आगे चल, ये जो प्रश्न है उस प्रश्न में थोड़ी सी बैटरी सेम आपने पढ़ लेते, ये बैटरी ऐसे है, ये बैटरी ऐसे है, और ये बैटरी, इसको आप करें सुखदेव सर अच्छा है। हम लोग का पूरा डिस्कस पहले करके आपको तो पता होता किसी कहां से बात करनी आपके लिए। यहाँ पे इस सर्किट के अंदर अपने को करंट पूछ रही है, ये जो I यहाँ पे ये पूछा बेटा, बस ये अपने को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं कि एक तो अपने पास ये बैटरी, एक अपने पास ये बैटरी है, तो इन दोनों बैटरियों की अपन इक्विवेलेंट बैटरी अपन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास है 2 वोल्ट है, ये भी अपने पास है 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, दोनों बैटरी यहाँ पे आइडेंटिकल है, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों के ईएमएफ भी सेम है। तू कह दो कलर चेंज कर पेन, तो तू कहे तो ये कलर चेंज कर लाल कर दो इसे। आप ये कहना चाहते हो कि जैसी ये है वैसी ये है, ये एक जैसी है, बिल्कुल, तो एक जैसी होते अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि एजिट रह गई है, बिल्कुल, 2 ओम तो क्या रह गया इसका, एक ओम हो जाएगा, हाँ एक हो जाएगा ये। मैं एक मैं दिमाग बात आ गई यार, मैं तेरी बात को काट के पर दूसरी बात करूंगा, पेज खाली कर एक बार में, मैं मेरे और उस बात पे आता हूँ। इसको बोलते हैं सर्किट रिप्लेस करना, आप वही करना चाह रहे मेरे साथ, बिल्कुल। ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, ये R1, इसको सर्किट को इस सर्किट को रिप्लेस कर देंगे। कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला, इसका जो रिजल्टेंट E आएगा वो आएगा E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और रिजल्टेंट R इसका आएगा R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2। ये हमने कह रहे फॉर्मूला है, ये रिप्लेस हो गया, यानी ये जो बैटरी है ये आर है, दोनों की आपने ये आर है, आर यार हो गई। अब कई बार क्या है, एक बात सुन पुत्र, ये प्लस प्लस एक साथ है, इधर मान लो माइनस आ जाए तो यहां सिर्फ किसका आ जाएगा, माइनस का जाएगा, सिर्फ इसी बात, बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में छोटा, और R1 R2 भैया बैटरी को उल्टा जोड़ सीधा जोड़, प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है वो तो हमेशा ही जुड़ना है, दुश्मन तो दुश्मन रहेगा जुड़ना में, वो तो आप करना चाह रहे हो बात मत पिछड़ आ जाए। तो शायद मैं ये तो कह रहा हूं ये बैटरी अपने ऐसा करे इसको से पटक ले, बिल्कुल पटक ले, पटक लिया ऐसे, और ए ये क्यों बिल्कुल ऐसे है, यहां पे माइनस ये प्लस है, इसको यूं कर देगा बस, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बीच वाला इसको तो ये कर ले, ये तेरा कितना है 2 2 2 2 कलर चेंज कर, इसको रिप्लेस कर, दो दो नहीं दौड़ दो चार चार दौड़ दो चार 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 आठ आठ बटे चार चार बटे चार दो, इसकी बैटरी क्या बनेगी, ये प्लस ये माइनस कितने वोल्ट बनेगी, 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, इसका आर कितना आएगा, 1 कितने का है, 2 ओम कितना है 2 वोल्ट। अब देख ये माइनस ये प्लस, चल कौन से क्रम में आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन सीरीज आ गई, तो 2 और 1 दो चार, 1 और 2 3 V=IR, I=V/R, V कितना है 4, R कितना है 3, आंसर क्या आ गया 1.33। ये इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत तरह पसंद है नहीं क्या, इस तरह से आप बैटरी में सुनो, इसको वायर को पटक इधर ले लो, तो इधर लेते ये फिर एक बैटरी क्या हो जाएगी, ये सर्किट क्या हो जाएगा रिप्लेस, और फिर अपना ये प्लस रहेगा, ये प्लस ये माइनस, तो किस जुड़ा है माइनस से। अब जैसे चित्र दिखा ये तेरे सामने क्या हो गया, सीरीज हो गया, ये माइनस का प्लस, जब माइनस प्लस जुड़ते हैं तो करंट का साथ देते हैं, प्लस पे प्लस आता है तो करंट का
विरोध होता है सीधी सी बात। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलो, ये देख वो कहता तीन रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का एक ओम है, तीन है और एक है, तीनों को लगाया पैरेलल में, परिणाम क्या हो गया? एक बटा तीन। और ऐसे तीन संयोग कर दिए, एक बटा तीन, कहां जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। वापस क्या हो गया? एक ओम। भाई तीन है एक ओम के, जोड़ा पैरेलल आर बाई है, एक बटा तीन, कितनी बार है श्रेणी में? तीन बार। वापस क्या हो गया? एक ओम। अब कहां पेन चलता है? अभी चल और सोना है, एक तार का प्रतिरोध 6 ओम है, इसको दो समान भाग काट दिया तो कितना ओम आ गया? 3 ओम। उनको जोड़ दिया समांतर क्रम में तो 3/2 ओम, 1.5 ओम। गलती नहीं कर रहा दुधवा जी? ना सही है बिल्कुल। आगे चल, बड़ा सोना है पुत्री दास देव किशोर को, ये कहता ए व आई के बीच आपको आर चाहिए। देख पुत्र ये पॉइंट है, एक पॉइंट पे कभी दो भी नहीं हो सकते, इसको ऊपर खींचते नीचे खींचते, इसको ऊपर ले जाते खींचते, इसको तो ऊपर ले गया ना तो एक बैलेंस ब्रिज है, इसको नीचे ला ये बैलेंस ब्रिज है, 2 2 2 कितना बचा? 2। इसका क्या बचा? 2। ये 2 2 कौन से क्रम में पैरेलल? आंसर क्या आ गया? हेलो मुझे नहीं पता, यानी आपने इसको इसको हटा दिया। तो ये वाला वो तो ब्रिज बैलेंस है भाई, ब्रिज बैलेंस है ना, इसको पूरे को अपने मान ले कि ऊपर गया, ये पूरा नीचे आ गया, ये कितना है? 2। ब्रिज बैलेंस है ना, तो आप जानते हो जो आर 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 होता है, आर होता है, ये तो घट गया ना, दो चार दो फिट चला गया। बहुत देरी बात आई, एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भाग में काट दिया, आर को एन टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक का आर कितना हो गया? आर बाई एन। उनको जोड़ दिया पैरेलल, तो एक एन का भाग और दे, तो आर को एन स्क्वायर हो। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है पर नीट में ही आते हैं भाई, एटीसी का नाम है। फिर देख ले यार, आर प्रतिरोध है, एन में काटा आर बाई एन, अब आर बाई एन आर बाई एन आर बाई कितनी बार आया? एन बार इन पैरेलल, आर बाई एन बाई एन आर बाई स्क्वायर। आगे चल पुत्र, फिर तेरा क्वेश्चन आ गया गैला सा, एक रोड का प्रतिरोध 4 ओम है, इसे मोड़ दिया, 4 रहेगा भाई, क्या बोलना है? मोड़ने से आर चेंज नहीं होगा। आगे चल, ये देखना पुत्र इसको, ये कोई एक पूरी रामायण कह दी इसमें, ये कहता है ए एफ सी बी परिपथ में प्रवाहित करंट की वैल्यू बतानी है, बताऊं क्या होता है इसमें? मैं तेरे इसको कर देता हूं पूरा एक बार, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये बी है ना, ये तार बाहर पटक ले, इस ए को उधर जाओ, ये कौन आ गया तेरा? ए। आर 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 ब्रिज बैलेंस हो गया, क्या बच गया? आर आर, यानी सुन ध्यान दे, ए के पकड़, ए इसको पकड़ के बाहर दिया, अब ऐसे ऐसे करना हो, ब्रिज बैलेंस हो गया तो टोटल तो बी है, टोटल आर है तो बी आई आर आई इक्वल टू वी बाई आर, तो ये मुद्दा ये है इस ए और बी के बीच रिजल्टेंट आर दिखता है, कितना बचेगा? आर, क्यों? ए उठाया बांट लिया, ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस, बैलेंस हो गया, जानते हो ब्रिज बैलेंस, तो भाई जब ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच की भुजा में करंट नहीं बहती, इसके बाद करें क्या? कर लेते हैं पेश हाल करें बेटा, कि हम सब जानते हैं ऐसे, वो कहता है कि 4 इंस्टेंस ले लो, ले लिया, किन्हीं 2 सिरों के बीच एक, सॉरी किन्हीं 2 सिरों के बीच एक बैटरी लगा दो, ठीक है डियर, और किन्हीं भी 2 सिरों के बीच एक तो बैटरी लगा दिया अपने, और एक बैटरी लगा सकते हैं, देखो या तो इनके बीच में बैटरी लगा दो, इन दोनों के बीच में गैलोमीटर लग जाएगा। हाँ गैलोमीटर बोल रहा था मैं, तो एक बार ध्यान दो क्लास का, ये धारणा भैया सोच सर्किट की, इसका मतलब होता है कि तार जुड़े हुए हैं, और इसका मतलब होता है वायर इसके ऊपर से पड़ा, ये बड़ा पंगा है, इसका मतलब तार कनेक्ट है, इसका मतलब तार के ऊपर तार पड़ा, ऐसे जैसे बात, तो ये ऐसे लिखा दिए। अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, ये देखो जैसे मैं ये डायग्राम बनाता हूँ ना सुदेव, बच्चों को लगता है क्या बना दिया, लेकिन जैसे ही टीचर डायग्राम ये बनाता है, देख
बड़ा हंसी आती मुझे कई बार, हाँ सर अब सही है, तो बोले आदमी क्या फर्क पड़ता है, अंदर पटक दिया मैं क्या फर्क बनूंगा। बात एक ही, अब यदि ब्रिज बैलेंस है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, जो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो फिर कहते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। और एक बात गांठ मान ले, हमारे सिलेबस में बैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज में स्टार डेल्टा थ्योरम काम आती है, जो नीट में नहीं है। गाइड क्वेश्चन हो सकते हैं, और भैया कभी कभार नीट में क्वेश्चन आज तक तो देखा नहीं मैंने, आया है तो भैया उसके लिए स्टार डेल्टा का अपन दो घंटे खराब यहां तो निकले कम से कम। ये ब्रिज है जो बैलेंस है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। और ये ब्रिज बैलेंस का मतलब ये होता है यहाँ कोई करंट नहीं बहती है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ये एक पूरी गुणा भाग है बोर्ड में बच्चे से पढ़ते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मिट सेतु का प्रिंसिपल है, मिट सेतु का यही प्रिंसिपल है, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। इसमें याद है ना, दो भुजाएं तो नोन होती हैं, एक अननोन होती है और एक वेरिएबल होती है, दो फिक्स होती हैं, एक अननोन होती है और एक वेरिएबल है, इसको निकाल निकाल के आप उसके साथ बैलेंस कर लेते हैं, और ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का काम आता है। इस स्पेक्ट्रल फोर फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस क्यों आगे तक बात आ गई थी सामने, क्या कह रहा है, समान व्यास डायमीटर क्या है, समान है। यहां रेस्टिविटी इस बार रो वन रो टू लंबाई एलो एलो ना भाई, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो डीएन वही बात है, एक वायर ये है एक वायर ये है, दोनों को जोड़ा तो आर क्या बना, आर वन प्लस आर टू। आर क्या होता है, रो रो एल वन प्लस एल टू अपॉन ए, ए की बात नहीं कर रहा। आगे क्या पूछा, रो वन एल वन बाई ए प्लस रो टू एल टू बाई ए, ए कैंसिल आउट कर दे तो रो आ जाएगा अपने पास में, रो वन एल वन प्लस रो टू एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू, बता कौन सा हुआ, ये आ जाएगा रो वन वो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। आगे चलो, फिर आगे यार ये अब आपकी हम करा रहे प्रैक्टिस, वो कहता समान मेटेरियल के दो वायर हैं उनको समानांतर क्रम में जोड़ दिया, परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि तारों की लंबाई रेडियस ये है तो इन तारों में प्रवाहित धाराओं का अनुपात क्या, सुनो सुनो यहाँ थोड़ा सा सर्किट का फंडा काम आ जाएगा, देख ध्यान से देख, ये आप एक बात जानते हो पुत्र, यहाँ भी वी यहाँ भी वी, यहाँ आई वन आर वन आई टू आर टू, ओके तो वी इक्वल टू क्या है आई वन आर वन, दूसरा वी क्या है I2R2। अगर स्पष्ट कहता बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो I1R1 इक्वल टू I2R2, सेम क्वेश्चन होगा तो पहले किया वही है I1R1 तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, पदार्थ सेम है रो के पीछे 1 2 नहीं आएगा तो रो L1 A1 मल्टीप्लाई रो L2 A2, रो से रो काट दे L1 by L2 multiply A2 by A1 ला बोल पुत्र, what is L1 by L2 4/3, फिर गलती मत करना, ये 2/3 बटे 3/2 आएगा, दोनों पात एक, आंसर क्या होगा स्क्वायर क्यों 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 रेडियस रेडियस से सॉरी फिर गलती होगी, रेडियस है रेडियस 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 है, ये तेरा 4/3 9/4 ये कैसा आंसर हो गया तेरी, ये सिली मिस्टेक है। प्लीज हम वाक्य शूट कर रहे हैं, हम इसको कट भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं ताकि ये एहसास हो गलतियां हमसे। अब ये तो पता है स्क्वायर तो कटाता ही भाई टीचर को यार, ये सिली मिस्टेक का पार्ट है, बस यही ऑफलाइन में इसकी फीलिंग बहुत अलग आएगी, इसलिए ऑफलाइन गुरुनीति देखने के लिए मैं तो कहता हूँ बिस्तर पे आप रिपीटर हो, देश के किसी कोने में रह रहे हो सीकर आ जाओ, मकान ले लो, बायोकेम ज्वाइन करो CLC की, गुरुनीति देखो ऑफलाइन फिजिक्स की, सुश्री नीट को फुटबॉल करेंगे इस बार, बायोकेम से बाहर वहां कुछ नहीं आता, गुरुनीति से बाहर यहां कुछ नहीं आया गया, ब्रह्मास्त्र है, ओके आगे चलो। ये अपना लाडला क्वेश्चन है, पेज खाली कर बेटा, यहां दो बातें हैं, देखो ये अपने आप में पूरा डायग्राम है, ये कौन है ई, ये कौन है आर, ये कौन है आर, ये बेसिक सर्किट है, यहां से कोई करंट आई चली तो उसका एक हिस्सा यहां खत्म होगा आईआर के रूप में,
एक हिस्सा यहां खत्म होगा आईआर के रूप में, जिसका टोटल जोड़ क्या होगा, ई इक्वल टू आईआर प्लस आईआर, और इस आईआर को अपन वी कह देते हैं, तो ई इक्वल टू आईआर प्लस वी, तो दोस्त वी इक्वल टू ई माइनस आईआर। दिस इज डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ बैटरी, यहां करंट बैटरी दे रही है। यदि किसी बैटरी से आप करंट लेते हो V equal to E minus IR, V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल। E क्या है? EMF, EMF। IR क्या है? उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस। यदि ये जीरो है तो V हमेशा E के बराबर होगा। एक बात बताओ, अब यदि यही बैटरी चार्ज हो रही हो तो दोस्तों यहां पर ये प्लस हो जाए। अब आपको सब चार्ज का क्या मतलब बताओ, मतलब क्या है? आप मोबाइल काम लेते हो ना, तो मोबाइल दिन में काम लेते हो तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है और आपको उसको अपने चार्ज पे लगाते हैं, तो बैटरी करंट दे रही है तो V इक्वल टू E माइनस IR, और बैटरी से करंट बैटरी से करंट दे रहे हैं तो V इक्वल टू E माइनस IR, और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो V बराबर E प्लस IR। क्लियर? बहुत काम का प्रश्न है। और यदि ये जीरो हो जाए तो V और E हमेशा बराबर होते हैं, है ना? दो शब्द और भी शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। शॉर्ट क्या होता है बताना बच्चों? शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो जाता है, जीरो होता है। ओपन में अनंत हो जाता है, ओपन का मतलब खोल दिया, हवा हो गई। ओपन सर्किट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, शॉर्ट का मतलब आर इक्वल टू जीरो। तो शब्द है, बात होगी। आगे चल, क्वेश्चन में आ जा भैया। यहां पे क्या कह रहा है? 8 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी को 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, देख ध्यान दे, देखो जैसे जैसे कहता ना यार सुखदेव वैसे करते जाओ। इसको 15.5 ओम के प्रतिरोध का प्रयोग करके 120 वोल्ट के डीसी के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल, 15.5। तो कहता बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है? क्या इस बैटरी का? बिल्कुल। अब एक बात सुनना है, इसको पढ़ाने से पहले आपको सेल का पढ़ाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ेगा। इसको कर देता हूं मैं। देखो भाई, घूमो सर्किट में 120, इसके सामने 8 है, तो यहां रिजल्टेंट V जो है वो कितना आएगा? 112 आएगा। यहां R कितना आएगा? 16 आएगा, क्योंकि 15.5 और 0.5 16। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, कितना रहे? 112 बटे 16 7 आ गया। कितनी बार भागे? 7 7 बार। I 7 है और यहां से I है, तो दोस्तों ये बैटरी एक्चुअल में चार्ज हो रही है, तो यहाँ जो है V इक्वल टू E प्लस आई आर, तो ये 0.5 है, 0.5 के साथ में कितना हुआ? 3.5, 8 ये है, 3.5 ये हो गया, आंसर क्या आ गया? 11.5। इसका क्या होगा? इसका होगा 120, यस यस, इसका होगा 120 माइनस 15.5 मल्टीप्लाई 7। ध्यान दे पास, ये डिस्चार्जिंग है और ये चार्जिंग, पेज खाली कर बेटा। तो अपन सेलों का देखते हैं कॉम्बिनेशन। माना कि मेरे पास एक सेल है, पहले तो एक सेल को तुम सब जानते हो, V इक्वल टू E माइनस IR, पूरी क्लास V इक्वल E माइनस IR। अब आ जाओ, अब वो कहता मैं ऐसे एन सेल सीरीज में जोड़ दूं, ये आर, ये ई आर, ये ई आर, ये ई आर, फर्स्ट ऑफ ऑल पुत्र पता है इसका ई डैश क्या होगा? एन ई, एन ई, इसका माइनस प्लस से इसका आर डैश क्या हो जाएगा? एन आर, इसका परिणामी आर डैश क्या हो जाएगा? एन आर प्लस आर, क्योंकि ये एन आर इस आर के I इक्वल टू क्या होता है? एन ई अपॉन एन आर प्लस, सॉरी एन ई स्मॉल आर, स्मॉल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, ये इसमें बहने वाली करंट है। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब यदि यही मैं ले लू पैरेलल कॉम्बिनेशन, E E E R R R, तो पुत्र बोलना E डैश इक्वल टू E, बोल बोल बोल। बिल्कुल, क्यों?
ये कौन से क्रम में? पैरेलल में आर 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 एन बार आया, आर बाई एन, आर बाई एन, बस इसके कौन से क्रम में है? सीरीज में। आई इक्वल टू क्या आएगा? ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन, आर बाई एन। इसको तू एलसीएम लेगा तो ये तेरे सामने ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब आगे चल। अब एक वेबसन एक सिंपल फंडा है, वो कहता मैं ऐसे जोड़ दू, ये एक रो है, वो कहता एक रो में एम सेल है और ऐसी एम रो है और मैक्सिमम करंट के लिए क्या करें? फंडा ही होता है मैक्सिमम करंट। या एक उत्तर है कि मेरे पास मान 50 सेल है तो कितने सीरीज जोड़ू और कितने पैरेलल जोड़ू कि वी वांट मैक्सिमम करंट या वी अचीव मैक्सिमम करंट, हमें अधिकतम करंट मिल जाए। तो इसमें गुणा भाग तो भाई जी बहुत अजीब सी है, तो मैं कर देता हूं लेवल। देख इसमें ये कौन है? ए ई ई सेल कितने? एन। तो ये कौन है? एन ई एन ई। कितनी बार आया? तो ये तो क्या आ गया? एन ई एन ई। ये कौन है? आर आर। कितनी बार आया? एन आर एन आर एन आर एन आर। कितनी बार आया? एम बार। आर डैश का मान क्या आ गया? एम आर बटे एम। तो आर डैश क्या आ गया? एन आर बटे एम प्लस आर प्लस आर। ओके अब तो करंट ची, तो व्हाट इज करंट? एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर प्लस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल आर। ओके थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है इस एम को ऊपर ले जाए, एम एन ई एन आर प्लस एम आर। ये मैक्सिमम कब होगी रे यार? जब जीरो हो जाएगी। हेलो ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये जीरो हो जाए। ये जीरो हो जाए इसका मतलब एन आर प्लस एम आर बराबर क्या हो जाए? जीरो। ठीक है और मैं इसको ऐसे लिख दूं, मेरा फंडा है एन आर इक्वल टू एम आर, भूल जा माइनस को, एन छोटा आर छोटा, एम बड़ा तो आर बड़ा, मास्टरी है। छोटे को छोटे से गुणा कर लेते भाई जी, बड़ा एग्जाम्पल के साथ में बड़े बड़े से गुणा कर दे, एन छोटे आर एन को एन छोटा एम से आर से गुणा कर दे। अब यहां एक बात, एन कौन है? सेल्स की संख्या है। एम कौन है? रो की संख्या, रो की संख्या। ठीक है ये एक इसका क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्वेश्चन कराने के लिए इस पेपर में आखिरी क्वेश्चन निकाल बेटा फटाफट, इसका आखिरी क्वेश्चन है निकाल के लिया जल्दी से। वो पहले कहता हूं रो में ताकि मेरी इस पार्ट का आपको भाव ये पता लग जाए। आ गया ये देख क्या कहता है, ये कहता है एन रो इज कंटेनिंग एम से, उल्टा कर दिया मेरी बात का, उल्टा कर दिया इसने। वो कहता है सीरीज आर जोन इन पैरेलल मैक्सिमम करंट, बकवास कर रहा है। वो कहता है एम रो है, एन सेल है, उल्टा कर रखा है। तीन ओम इसका क्या है? अक्षय प्रतिरोध है। स्मॉल आर क्या है? 0.5 है। सीएल की कुल संख्या क्या है? 24 है। तो मतलब किस तरह भाई जी आ जा, एन आर इक्वल टू एम आर। मैंने क्या पढ़ाया? एन मतलब नंबर ऑफ सेल, बट यहां नंबर ऑफ सेल कितने हैं? एम 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 आर इक्वल टू एन आर। आ जा अब तेरे सामने सामने है एम क्या है? नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 24 है ना। आर कितना है? 16.5। एन कितने हैं? नंबर ऑफ रो मुझे नहीं पता क्या है। कैपिटल आर कितना है? 3। ठीक है ये हो गया था सामने, ये एम अपने को गिवन नहीं है, ये नंबर ऑफ इस संयोजन में सेलों की कुल संख्या। ओके ओके बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हमें कुल संख्या नहीं दी है। फिर से पढ़ते हैं हम इसको एज इट, दोबारा से सूटे से रखेंगे हम लोग इसको। एक कतार में एक रो में एम सेल है और ऐसी एन रोज है, तीन ओम और टोटल सेल चॉइस, सॉरी सॉरी टोटल चॉइस है। ओके तो अपना कॉन्सेप्ट है एन आर इक्वल टू एम आर। ठीक है ठीक। अब यहां एक्चुअल में एम आर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? एन आर। अगला कहना है बस। अब स्मॉल आर क्या है? 0.5। कैपिटल आर क्या है? 3। तो तेरे सामने सामने एम अपॉन एन इक्वल टू क्या है? 3 अपॉन ये
तो इतना कितना आ गया भाई, 6:1 एल 6 सेल तो 6 और रो 1, मुझे टोटल कितने 24 चाहिए, तो 24 का मतलब है एम तो 12 और एन 2 24। ये होती फिजिक्स वाइज, छोटा गुणा छोटा इक्वल टू बड़ा गुणा बड़ा, लेकिन भाषा चेंज होती है, चेंज कर दिया, बाकी एग्जाम में कोई तरीका नहीं होता है, तो सारा सॉल्यूशन भाई कोई नहीं कर सकता। सही बात, ठीक है डियर। चल बेटा वापस हमारे क्वेश्चन में आ जा, जहां छोड़ के आए बिल्कुल आ जा, चलता जा चलता जा, चल बिल्कुल चल आ जा। क्या कहता है कि माना कहीं से I1 करंट आ रही है, I2 जा रही है, I आने वाली पॉजिटिव जाने वाली नेगेटिव, ये ऐसे होती है I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0, क्यों बोलते सिग्मा 2 के पूछ सिग्मा I इक्वल टू 0, एक मिनट ध्यान, तो पूरी बात सुनो, I इक्वल टू dQ / dt, तो I तेरा 0 हो गया तो तेरा dQ क्या हो गया 0, जब dQ 0 हो गया तो Q क्या हो गया कांस्टेंट, जब परिवर्तन 0 है संख्या कांस्टेंट है, तो किसको बताते हैं आवेश, आवेश सुन ले भाई, किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है चार्ज कंजर्वेशन कांस्टेंट, और सेकंड क्या कहता है एनर्जी कांस्टेंट, आगे चले बेटा अगला देख ले, वो ये 29 सेकंड नियम क्या कहता है एनर्जी कांस्टेंट, सब जानते हो आप बातें, क्या ये बात ही नहीं, आगे चले बेटा जी, अब इधर देख देख, 2 और 2 4 चार में से 1 इधर गया, कितना बचा 3, 3 में 1 पॉइंट 3 गया, ये पॉइंट था ये दिया, कुछ नहीं करना, आगे चले पुत्र, ये मेरी बात, एन समान सेल E है, आंतरिक R है, R प्रोफेशनल को जोड़ा, तो प्रत्येक I धारा क्या होगी, तो वह N E ये आएगा, N E R plus N R P, ना 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 ना, N E N E N E क्या, N E R plus N R, आगे चल, ये शानदार क्वेश्चन है, ये नीट पे बहुत बार आया हुआ है, क्या कहता है देखो, कोई सेल है, उसके टर्मिनल पे 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा, एक ये सेल बना, ऐसे नहीं, बदमाशी नहीं, सेल तो वही है ना, ये क्या क्या जोड़ दो यहाँ पर 2 ओम, ये कोई सेल है ई और आ, ये तो धारा कितनी भाई 0.5। अब इस प्रतिरोध को बढ़ाकर 5 ओम कर दो, आगे सेलर चेंज कर, ए सेल तो चेंज किया मैंने, बोल बोल, सेल तो वही ई वही आर और कितना हो गया 5 ओम, क्या पूछिए करंट पूछिए, तो सेल क्या पूछता गा, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं करना भाई, पेज खाली कर, देख लिए यहां तेरे सामने सामने क्या आएगा, ई इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई आर, बोलो भाई 0.5 मल्टीप्लाई 2 0.5 मल्टीप्लाई आर, व्हाट इज ई इक्वल टू 1 प्लस 0.5 आर, बोल आया ना, इस पे आ जा, E इक्वल टू आई है, तो 5i प्लस आई आर, बोल आया ना भैया, मैंने बताया क्या है, तो लिख ले आप, E इक्वल टू क्या आएगा 5i प्लस आई आर, वापस एक बार क्वेश्चन बना बेटा जी, आई अपने को दे रखा है इसमें 0.25, एक मिनट आई दे रहा 0.25, वापस आ जा, आई कितना है 0.25, तो 0.25 है कोई दिक्कत नहीं, अपने इसको 0.25 कन्वर्ट कर देते हैं, पहली इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू 1 प्लस 0.5 आप, ये E इक्वल टू क्या 0.25, तो 5 को गुणा कर 0.25 क्या बचा 1.25, ये क्या है 0.25 आप, ठीक है डियर, आप घटा दो ऐसे किसी बात है, एक क्वेश्चन दो माइनस 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 कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस 2.5 प्लस 0.25 आप, ये 0.50 है, 0.25 गया, इधर माइनस आएगा आर का मान 1 ओम आ गया, आर का मान 1 ओम आ गया, यहां पुट कर दे, जैसे आर 1 पुट करेगा ये 0.5, ई का मान क्या आ गया 1.5 वोल्ट, क्या दिक्कत है, कुछ आ जा भैया, ई का मान क्या आ गया पुत्र 1 वोल्ट, लगे अब पढ़ा रहे सर्किट यार, लगे तो समझ गया पढ़ा रहे हैं, बेसिकली बातों को आप देखते जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, वी इक्वल टू वी प्लस आई आर, आगे चल बेटा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये एक सेल है, इसको आप याद करना, ये आर है, ये आर है, ये ई है, ये दोस्तों आपका आई होता है,
पावर आप जानते हो हमेशा क्या होता है, पी इक्वल टू होती है आई स्क्वायर। मैक्सिमम पावर की शर्त है यहां पर याद कर लो कि आर इक्वल टू आर और सी, ये गांठ बांध लो। जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य के बराबर होता है, तब सेल के द्वारा दिया गया ली गई पावर मैक्सिमम है। ये बहुत तेज चीज है, और कितनी मैक्सिमम है इसकी बात भी करेंगे, पूरी बात करेंगे। यार बच्चे तब मन से सुन रहे हैं आपको, ये आर, ये आर, ये ई, तू जानता पी इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर, कौन सा कैपिटल 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 आपकी पावर नहीं आएगी ना, वो तो लॉस हो रहा है। अब तू जानता आई क्या होता है बेटू, ई अपॉन आर आर प्लस आर, तो पी इक्वल टू ई अपॉन ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तू कह रहा पावर मैक्सिमम चाहिए, आर इक्वल क्या कर दे आर, ये आर आर क्या हो गया टू आर, टू आर हो गया ना, उसका स्क्वायर है ई स्क्वायर आर अपॉन फोर आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आर से आर कैसे आउट कर दे, तो दोस्तों पी इक्वल टू होता है ई स्क्वायर अपॉन फोर आर। अब इसको चाहे तो स्मॉल आर भी चाहे कैपिटल आर, क्योंकि दोनों की सेम इक्वेशन है, तो दोनों बात याद कर लो। सेल से मैक्सिमम पावर कितनी आती है, ई स्क्वायर बटे फोर आर, और कब आती है आर इक्वल टू आर, आ जाओ 33 हो गए। हाँ वापस आओ, सेकंड था उसका आंसर, अच्छा आंसर अच्छा अच्छा आंसर आंसर सेकंड हो, हाँ कैपिटल आर बोल चाहे स्मॉल आर बोल। आगे चलो भैया, ये देखो भैया एक बैटरी है, ईएमएफ चार है, इंटरनल आर है। जब इस बैटरी को दो ओम के बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, धारा एक एम्पीयर बहती है। इस बैटरी के सिरों को सीधे आपस में जोड़ दे, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट उसका मतलब ये धारा कितनी बहेगी, चार वोल्ट है और दो ओम से जोड़ दिया और एक एम्पीयर की धारा बह रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी चार करना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी अपने पास में सीधा सीधा दो ओम आ गया सर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये चार हो गया और फिर उसके बाद इसको अपन दो से डिवाइड कर देंगे, ये अपने पास में दो आ जाएगा सीधा सीधा, दो एम्पीयर आ जाएगा, दो एम्पीयर आ जाएगा। या इसको मैं थोड़ा सा आपका पूरी होगी, इसको अपन एक बात और पढ़ के सही करें कि बैटरी है जैसे कहते हो वैसे करो, एक बैटरी का ईएमएफ कितना है चार, चार वोल्ट, ये कौन है आर, इसे कहां जोड़ा अपन ने, दो दो से, ठीक है, धारा एक एम्पीयर, और इस समय धारा कितनी है एक एम्पीयर, एक एम्पीयर अगला कह रहा है एक एम्पीयर, इसका मतलब कॉमन सेंस की बात ही आर कितना है दो ओम है, ताकि दो दो चार हो जाए चार। अब वो कहते बैटरी के सिरों को सीधे आपस में जोड़ दिया जाए, बैटरी के सिरों को कलर चेंज कर लो, बैटरी के सिरों को जोड़ दे सीधे आपस में ऐसे, तो आर केवल दो ही बचेगा, दो ही बचेगा, वो मैं जो पहले शॉर्ट वो गलत बात थी, आर कितना बचा दो, ये खत्म हो गया, तो वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बटे आर, धारा कितनी होगी दो एम्पीयर। क्लियर, बढ़ा के दिखा दो बच्चों, ज्यादा क्लियर करता है। आगे चलो बच्चा, 35 हो गया, कंप्लीट हो गया, ये बच्चा मजा आ गया बात का, पता नहीं चला कब 35 क्वेश्चन होगी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड आएगा तो थर्ड आएगा, तीन पार्ट है। वैसे दोस्तों थर्ड का हेडिंग दे रखा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका हेडिंग क्या कर देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड कर देंगे, थर्ड कर। तो आज तारीख है 21, एक्चुअली में दोस्तों 19 तारीख वाला आज अपलोड हो रहा है, माफी चाहते हैं आज 21 को शूट किया है, मेरे गले में दिक्कत कारण थोड़ा शूटिंग में लेट चल रहा हूँ, तो आज 21 तारीख को आपको मिल रहा है 19 तारीख वाला, अब अगले दो दिन में आपको सारे मिल जाएंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।